मेरे रस के कमर। अरे भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा है, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये तुमने लिखा है? हाँ भाई साहब, 25 रुपए वाले पेन से लिखा है। मेरे रस के कमर, बिल्कुल भैया, कौन सा चौन चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गांव में जाके चपक जाएगा। खूब समझाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, काहे कवि सम्मेलन की गरिमा गिरा रहे हो? अरे कॉपीड गाना सुना रहे? अरे कोई और सुना दीजिए त्रिवेदी जी। अरे कोई और सुन लो दद्दा, उसमें कहा है? कोई और सुनो कि कोई दीवाना कहता है तुम्हारा। त्रिवेदी जी पगला गए क्या? कुछ अपना सुनाइए, तलकता भड़कता एकदम। तो ले भैया, अब तलकता भड़कता लो, अब बिल्कुल तलकता भड़कता आ रहा है। हेलो हेलो, एक दो तीन, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही। हेलो, ज्यादा माइक पे ना घुसो, मुंह चपक जाएगा। हाँ लो 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 लो, कि बंदर मामा पहन पजामा। हाँ इसका दिमाग खराब करे। हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ करावा करत कवि सम्मेलन में। तो काय आए हो यहाँ? मजा। माफ कीजिएगा भाई लोग, आपको कष्ट हुआ। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा। स्वागत है कि आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते पशु। क्या बात है बाबा। आसमां में उड़ती चिड़ैया, जमी पे रहते इनके जैसे पशु। कि वृक्षों में है जीवन, इसकी खोज की थी जगदीश चंद बसु ने। चलिए छोड़िए, समझी में नहीं आया होगा। अगले कवि का स्वागत कीजिए श्रीमान चप्पल लाल अग्निहोत्री। आइए जी चप्पल जी, आइए। चंदन लिखा भाई साहब, किस तरह पढ़ते हैं? नमस्ते, मैं आज यहाँ। अरे तुम वही हो ना जो कल नोक वाली गली में छत पे खड़े होके हमको देख के हंस रहे थे, है ना? और हमने कहा भी था काहे खीसे बगार रहे हो, है ना? है ना? है ना? हाँ। मैं बचपन में निर्वस्त्र होकर पूरे गांव में घूमता था, तब से कविता पाठ कर रहा हूँ। मजाक लग रहा है आप लोगों को? मजाक लग रहा है तभी नीचे बैठे हो। वो एक समय था और उस वक्त मेरे समक्ष सिर्फ गुप्ता जी हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरा सहयोग किया और इन्हीं के सानिध्य में मैंने कविता पाठ करना सीखा है। और आज मैं गुप्ता जी को सहृदय धन्यवाद दे। गुप्ता जी? हाँ? मोबाइल रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, भाग नहीं जाएगा कहीं, आप ही के पास रहेगा। पता नहीं कहां कहां से। चलो कविता पढ़ते हैं। मेरी आज पत्नी से लड़ाई हो गई। क्या बात है बाबा, क्या बात है, आनंद आ गया। कहे हिला दिया, धरती हिला दी, क्या बात है। क्या मजा आ गया, कौन सा रस प्राप्त हो गया बताइए। नहीं, क्या मजा आ गया आपको पहली पंक्ति में ही? ऐसा आपको क्या नजर आ गया जो लग रहा है कि मैंने कह ढा दिया बताइए। अरे वो हास्य, कविताएं सिर्फ हास्य रस के लिए नहीं बनाई जाती हैं। अरे छोड़िए उसको चप्पल जी, सॉरी गलती हो गई। कुछ ज्यादा ही गलती हो रही आपसे, देखे रहिएगा कहीं गलती का घड़ा भर ना जाए हमारे सामने। अरे कविता सुनाइए सुनाइए। मेरी आज पत्नी, खराब हो गया मूड। क्या सुनाए बताइए। कविता सुनाने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, बंदे ने खराब कर दिया मेरा। सुनाओ यार, सुनाना है तो घंटा भर से मनौना ले रहे हो। अबे पागल, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आप मोबाइल चलाइए बस। माफ कीजिए आप लोगों को, एक बार फिर कष्ट हुआ। उतनी देर कष्ट ही तो हो रहा हो, क्या रहा है? कोई कविता सुनाने वाला तो है नहीं, कवि सम्मेलन रखे हो। हमने अगर कष्ट दे दिया तो यही भवा के नीचे बल्ली गिर पड़ोगे। अरे माफ कीजिए। अगले कवि को बुलाने से पहले एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर। क्या बात है जी हाँ, कि गाय हो या बंदर हो, सबका करो आदर, पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो।
अरे यार किसके दिमाग हो गया? क्या मैं कमंदर? कमंदर? क्या बताएं यार, यहाँ किसी दूसरे शब्द अंग्रेजी बोल दो तो मुंह ही ताकता रह जाता है। पेशेंट हो? नहीं, हलवा बेचे आए हैं। मतलब पेशेंट हो? तुमका का नजर आ रहा? अरे दाता, प्रभु, मालिक, पेशेंट हो तो यहाँ बैठो, आके इतना कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ बताओ वहाँ बैठे जा रहे हैं। कुर्सी बताओ कुर्सी बैठ जाए, खोपड़ी बताओ तुम्हें खोपड़ी बैठ जाए। ज्यादा नौटंकी ना, पहले कायदे बैठो। बैठ रहे ना। अरे यार कुछ नहीं, रोना नहीं, चीटी मर गई। यार यहाँ कोई गिरा पड़ा है, तुम चीटी देख रहे हो? उठाओ इसको। मैं हूँ इंस्पेक्टर गिर पड़े, जिसको मारा दोबारा नहीं हुए खड़े। इंस्पेक्टर गिर पड़े, पास के गांव में चोरी हो गई है। कालिया चोर ने अपने पड़ोसी की मुर्गी चुरा ली है, जल्दी से जाकर उसे गिरफ्तार करो। यस सर। क्यों कालिया, तूने अपने पड़ोसी की मुर्गी क्यों चोरी की? साहब हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों बे? अरे साहब वो मुर्गी नहीं, मुर्गा था। अबे तुझे जब पुलिस पकड़ने गई थी तो तू भाग क्यों रहा था? साहब मैं देख रहा था कानून के हाथ कितने लंबे हैं। साहब एक बिनती है आपसे। क्या बिनती है, जल्दी बता। साहब 5 मिनट के लिए घर जाने दो। क्यों बे, घर जाकर क्या करेगा? साहब यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, घर पर एक चोरी का नया मोटिन रखा हूँ, वही लेना है। ताले मोटिन चोरी करता है, चल तेरी सजा 1 महीने और बढ़ गई। कालिया कल सुबह तेरी फांसी होगी, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। साहब हमारी आखिरी इच्छा है कि हमारी जगह फांसी पर आप चढ़ जाओ। अरे छोट, कौन लाया भाई? अरे कलवा लाए। अरे वो सब ठीक, पहले ये बताओ बांधिस कौन है? हम? तुम ये बताओ यार, बिल्कुल चीमरा है आदमी हो का? है? आँखिन की पट्टी आँखिन में बांधी जात की मत्थे में बांधी जात? का? कलुआ। है? का कलुआ? कलुआ को नहीं जानते? नहीं। जाओ ना आदमी, कलुआ को नहीं जानता, उस दुनिया को नहीं जानता। काय की? बाप क्या, दादा क्या, अम्मा क्या, सब क्या मुंह काला गई क्या वायु कलुआ? कलुआ, कलुआ, अब तोरी बारी। क्या नाम बता? तिलक। तेरा कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहा, सही नाम बता। हमारा नाम तिलक है, हमारे कुत्ते का नाम पिल्लू। हमसे ज्यादा ना मजाक। भैया तुम्हारा नाम तिलक, हमारे बड़े भाई का नाम चंदन, हमारी दीदी का नाम रोचना, अब हमारी बुआ का नाम रोली। सबकी सब मस्तक में लगाई जाती। सबका मस्तक हम यही फाड़ देंगे, बता दे रहे। नहीं कलुआ भैया, पापा को नाम तो रहा टीका। टीका सुल्तान लंगोटा तान। वैसे कलुआ भैया कितने लोग हैं आपके घर में? कुछ पूछा करे तो बोल दिया करो, इसे खड़े ना रहा करो अन्ना भैसन की तरीके। दादा चच्चा अम्मा सुनी ताला दिखवा आओ कौन? बस हाँ बस। काहे तुम नहीं का? ए जो भेड़न कितना हंस रहे हो, तुमका पता नहीं है कि तुम कलुआ कोठरी में बैठे हो? या जुआवा है वो या तो मर के गवाह है या तो मार के। वैसे कलुआ भैया ये बताओ, तुमका कैसे पता कि हम भेड़न की तरह हंस रहे हैं? भेड़ ऐसे है हस्ती का। बस बहुत हुई गवाह, अब फोन हुई। ए बत्ती लगा रे फोन ही के घर में। रुको अभी डाउनलोड हो रहा, वो है ना स्नैप ट्यूब, ये मैं यूट्यूब फेसबुक की वीडियो डाउनलोड हो जाती तो एक हो रही, देख ले फिर लगा रहे फोन। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तुम सभी तो का स्वागत है एमजीओ न्यूज में। मॉम लगा फोन। वाह मॉम लगा फोन, क्या बात, लगाया? अरे फोन नंबर पूछियो कैसे, हवा में लगा दी फोन। नंबर बता, बता नंबर। याद नहीं आ रहा। 8408-45-90-514। आप जिस सिम से कॉल कर रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है,
कृपया बैलेंस रिचार्ज करें तब कॉल करें, आगे से ऐसी गुस्ताखी की तो सिम कनेक्शन काट दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे इनके पास कोई बैलेंस नहीं, हम लगाते। आप जिस मोबाइल से कॉल कर रहे हैं उसमें बैटरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब चूस डाली गई है। कृपया बैटरी चार्ज करें तब फोन करें, अगली बार ऐसी गुस्ताखी करने पर आपका मोबाइल ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ एक बटन है। धन्यवाद। आपके पास नहीं का मोबाइल खुलवा भैया? हाय। तो काहे नहीं लगा रहे हो? पैसा कैसे बचिए फिर? देख लो कॉलर ट्यून लगी, ऐसे सब पैसा ही फरात आ रहा, हम तोड़ तोड़ लगा। हेलो हेलो संतोष, बार बार दूसरे नंबर से कॉल न किया करो, तिलक का पता चल जाता। कौन संतोष? हम कलुआ बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पति किडनैप किया है, 10 लाख रुपया हर एक गोदाम में तुरंत का तुरंत चाहिए। हमारे पति किडनैप किया? हाँ। लेकिन वो तो ऑफिस गए। रास्ते से उठा हुआ है। लेकिन वो तो ऑफिस गए ना? हाँ तो क्या हुआ, ऑफिस गए तो रास्ते से उठा लिया। अरे जब वो ऑफिस गए तो कैसे रास्ते से उठा लियो भाई, हमका यह नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल मंद बुद्धि है का? अरे मंद बुद्धि नहीं, बंद बुद्धि है। लाओ इधर। हेलो मर्यादा सुशीला, हम कह रहे हैं कि हम तिलक हैं, जल्दी 10 लाख रुपया जुगाड़ करके हमका बचाओ। अरे लेकिन तुम तो ऑफिस गए रहो। अरे यार आप सब किडनैप हुए, बिल्कुल बेवकूफ है का? दिमाग लगावा करो कबा कबा, मूर्ख कहीं की। अब पहले ये बताओ संतोष कौन है? पहले तुम बताओ मर्यादा कौन? अरे हम तो कह रहे थे मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। तो हम भी कह रहे संतोष कहो। ए बहन जी, आज आप बताइएगा कि दिल्ली से जो पटना तक का सफर है वो कितना देर का है? एक मिनट सर। एक मिनट? इक्के मिनट में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे? अब पिछला बार गए थे तो पूरा दिन लग गया था। ये मोदी जी कौनो सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन चलाए हैं क्या? ओ अकलमंद, मैंने कहा कि एक मिनट रुको, देख के बताती हूँ कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा बोलिए ना, आधा बात बोलिएगा और आधा पेटे में रखिएगा तो सामने वाला कन्फ्यूजिया नहीं जाएगा जी। अच्छा ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटा लगेगा जी? कुछ कम होने का चांस नहीं है? अब देखिए 2-4 घंटा कम हो सकता है तो कर दीजिए, अब आपके रेगुलर यात्री हैं हम, थोड़ा मोड़ा गुंजाइश तो चलता है, हैं? अब अच्छा छोड़िए, अब 3 टिकट दीजिए दिल्ली से पटना का, एक तो हमारा, दूसर का हमारी औरत का, और तीसर का जो हमारा लड़का है उसका दीजिए। पहले ये फॉर्म भरिए फिर टिकट मिलेगा। अच्छा तो भर देते हैं फॉर्म भी, हम क्या डरते हैं किसी से। ये लीजिए बहन जी फॉर्म भर लिए हैं, एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक से भरे हैं कि नहीं। ये क्या है, ये क्या लिखा है तुमने, ये तो नहीं चलेगा। अब क्या लिखा है और क्या नहीं चलेगा? ये क्या लिखा है, नाम गणपत राय। हाँ तो ठीक ही तो लिखे हैं। उम्र 40 साल। हाँ तो वो भी ठीक ही है। और ये क्या लिखा है, लिंग की जगह पर 8 इंच। हाँ कभी नापे तो नहीं है पर 8 इंच तो होगा ही, अच्छा लिख दिए हैं। अब वैसे भी इसकी लंबाई परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। वाह वाह वाह, और ये क्या लिखा है, नाम दुलारी, उम्र 35 साल, और लिंग की जगह पर क्या लिखा है, नहीं है। अब हाँ ठीक ही तो है, दुलारी हमारी औरत है, आप पर्सनली जानते हैं उसको बाहर से लेके अंदर तक, उसको है ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, नहीं है ही लिखेंगे ना। और एक तो बात बताइए, लेडीज सबको होता है कहीं? आप भी तो लेडीज है ना, आपको है, है? बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये क्या लिखा है, नाम बिल्लू, उम्र 10 साल, और लिंग छोटा सा। बिलवा लड़का है हमारा, अब 10 साल का बच्चा है वो, अब बच्चा का तो छोटा सा ही होगा ना, तो लिख दिए छोटा सा।
और वैसे भी उसका नुन्नी अभी नुन्नू जैसा है, नेनुआ जैसा होने में टाइम लगेगा अभी। अब बताइए क्या गलत लिखे हम? अरे अकलमंद, यहाँ लिंग का मतलब है सेक्स, यहाँ तुम्हारे सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा सेक्स, सेक्स के बारे में पूछ रही हैं? अब उसके बारे में क्या बताएं? जब नया नया ब्याह के आए थे तो दिन में 3-4 बार तक हो जाया करता था, अब टाइम भी हो गया है, बाल बच्चा भी हो गया है, अब उतना फुर्सत मिलता नहीं, अब हफ्ते में 1-2 बार हो पाता है बस, मुश्किल से यही है। हे भगवान, कैसे आदमी से पाला पड़ गया है, लिंग की जगह पे 8 इंच लिख रहा है और अंग्रेजी में पूछो तो अपनी सेक्स लाइफ सुना रहा है। ए सुनो ए, ये सब नहीं चलेगा, काटो इसे। काटो? हे बेटा, जरा पूछना इससे, मेरा तो आगे से 2 इंच बचपने से कटा हुआ है, मेरा चल जाएगा ना? अरे रुको चाचा, हमको तो पहले अपना पूछ लेने दो। ऐ बहन जी, अब पहले ये बताइए कि काहे काटे, और अगर काटे भी तो कितना काटे? पूरा काटो इसे। अरे क्या बोल रही है दीदी, अब पूरा काट देंगे तो मुटेंगे कहाँ से, और ऊपर से हमारी औरत हमको घर के अंदर भी नहीं आने देगी, अब ऐसे भी अंदर जाने के लिए बचेगा क्या? ऐ बहन जी, अब देखिए एक तो ट्रेन के सफर के चक्कर में हमको अपना पूरा कटवाना पड़े तो हमको ऐसा सफर नहीं चाहिए, हम बस से चले जाएंगे, कम से कम हमारा औजार तो सुरक्षित रहेगा। अरे अकलमंद इंसान, ये जो लिंग की जगह पर 8 इंच लिखा है इसको काटो और इसकी जगह पर पुरुष या स्त्री लिखो। अच्छा ये लिखना है।